हमने जो पिछले सेशन में डिस्कस किया, पहले हमने डिस्कस किया था कि कैसे इंसान यानी होमो सेपियंस बने, और वो एज थी प्लिस्टोसीन एज, उसी में स्टार्ट हुई थी पैलोलिथिक एज, अब होलोसीन एज चल रही है, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक और फिर ब्रॉन्ज एज, ठीक है, और ये स्टोन एजेस थी, फिर उसके बाद ब्रॉन्ज एज आ गई, फिर उसके बाद पता नहीं कैसे पर खत्म हो गई इंडस वैली सिविलाइजेशन। अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यू पॉइंट है कि क्यों खत्म हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन। बहुत लोग ये कहते हैं आर्यंस यहाँ आ गए थे, आर्यंस ने आके लड़ाई करी, ठीक है, और मारा हराया, किसको मारा हराया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन के लोग। हालांकि कुछ हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि बाढ़ की वजह से, बीमारी की वजह से, आपसी लड़ाइयों की वजह से ये लोग छोड़कर चले गए इस एरिया को, और इस एरिया पर कब्जा किसका हुआ, आर्यंस। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो शहरों में रहते थे, ट्रिपल स्टोरी हाउसेस भी थे, ठीक है, और सीधी सड़कें थी 90 डिग्री एंगल पर, और पक्के घरों में रहते थे, टाइल्स लगी हुई थी बाथरूम में। लेकिन अब जो लोग आए हैं ये आर्यंस, ये अपना वही लाइफस्टाइल लेके आए हैं सेंट्रल एशिया वाला, कच्चे घर बनाए, गोल गोल सड़कें घुमाई, ठीक है, टॉयलेट्स घर से बाहर दूर जाया करते थे, ठीक है, टाइलों वाले घर के अंदर बाथरूम नहीं थे, और ओपन नालियां, ठीक है, ना कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज, ठीक है, क्योंकि इनका टाउन प्लानिंग ही कुछ ऐसा हुआ करता था, ठीक है, और ये लोग स्वास्तिक के निशान की पूजा किया करते थे, जैसे आज भी हिंदुओं में होती है, We also worship the symbol of swastik. अब स्वास्तिक का सिंबल किस प्रकार का सिंबल है, पहले मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। ऐसा होता है स्वास्तिक, जस्ट वेट, लेट मी ड्रॉ स्वास्तिक, ये देखिए, हम जो आर्यंस हैं, हम क्या बिलीव करते हैं, हम ये मानते हैं कि पूरी दुनिया जो है ये चार युगों के हिसाब से चल रही है, युग, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और लास्ट में कलयुग, ठीक है, और चार युगों को दर्शाता है कौन, ये स्वास्तिक का निशान, ऐसे इस निशान की अभी भी पूजा होती है। और जो जर्मनी है, ठीक है, वो भी सेंट्रल एशिया वाला एरिया है, ठीक है जी, सेंट्रल एशिया के नजदीक का एरिया, तो जर्मनी में भी आप देखो वहां पे हिटलर की जो पार्टी थी उसका नाम था नाजी पार्टी, किसकी पार्टी, एडोल्फ हिटलर की पार्टी, कौन सी थी, नाजी पार्टी, और नाजी पार्टी का भी जो सिंबल था वो ऐसे थोड़ा टेढ़ा था, बस ये ऐसा ऐसा था, ये सीधी सीधे थे, कुछ ऐसे लगा ऐसे, ये टेढ़ा नहीं है, सीधा है बस, ठीक है, टेढ़ा हो रखता है क्यों उनसे, नाजी पार्टी का सिंबल ऐसा था, लाइक दिस, ओके, और हमारा स्वास्तिक सीधा होता है, बस हम स्ट्रेट बनाते हैं, इतना फर्क है स्वास्तिक और नाजी पार्टी के सिंबल में, ओके, और आगे चलते हैं हम, ठीक है, तो सभी कल्चर्स पैदा एक ही सोच के साथ हुए हैं। तो अब इसके बाद जो आर्यंस यहां आके इस्टेब्लिश हो गए, तो उस काल को हम वैदिक काल कहते हैं, वैदिक एज, ठीक है, और वेद लिखे गए, वेदास, वेद लिखे गए, कितने वो वेद लिखे गए, 4 वेद लिखे गए, और ये चार वेद जो लिखे गए मैं पहले बता चुका, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है, हम इस एज को 2 पार्ट्स में स्टडी करते हैं। वो 2 पार्ट्स कौन से हैं, अर्ली वैदिक एज, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज, लेटर वैदिक एज, क्लियर। अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज के बीच में 2 इवेंट्स ऐसे हैं, क्योंकि लोग तो वही हैं, ऐसा क्या हुआ कि हम वैदिक काल को 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, कुछ तो हुआ होगा, वो क्या था इसके बीच में। सबसे मेन ये जो लोग थे अर्ली वैदिक एज वाले, क्योंकि वैदिक काल बहुत बड़ा काल था, बहुत लंबा पीरियड था, ठीक है, तो ये लोग का जो यूनिट ऑफ वेल्थ था, जो ये कहते थे कौन ज्यादा अमीर कौन ज्यादा गरीब,
तो उसका यूनिट था काउ। बहुत अमीर आदमी है, उसके पास 500 गाय हैं, ऐसे बोला करते थे, समझ में। वो बहुत गरीब है, उसके पास तो एक भी गाय नहीं है, यानी कि जिसके पास जितनी गाय वो उतना अमीर, क्योंकि लैंड की तो कोई कमी ही नहीं थी, समझिए। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत हुआ और भारत में आर्यंस ने राज करना शुरू किया, उसको हम वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज में लैंड की कमी नहीं थी, जंगल बहुत थे, पॉपुलेशन कम थी, जिसको जितनी लैंड चाहिए वो उतने पेड़ों को काटकर खेत बना ले, उतनी बड़ी भूमि पर कब्जा कर ले, क्योंकि लैंड वॉज इन अबंडेंस, सारी जगह जंगल ही जंगल था, थोड़ी थोड़ी जगह पे लोग रह रहे थे, समझ में आया। लैंड बहुत थी, कमी किस चीज की थी, काओ जानवरों की, तो जिसके पास जितनी गाय वो उतना मिली। लेकिन जो लेटर वैदिक एज आई, यहां पर सबसे पहली बात, पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन ग्रो हो गई, जिसकी वजह से जो यूनिट ऑफ वेल्थ था वो बदल गया, और अब वो हो गया लैंड। जिसके पास जितनी बड़ी धरती, जितनी बड़ी भूमि है, ठीक है, वो उतना बड़ा राजा है, वो उतना अमीर आदमी है। जिसके खेत जितने बड़े हैं, ठीक है, वो उतना अमीर है। आज भी यही हो रहा है, जो जिसके खेत ज्यादा है, जिसके पास प्रॉपर्टी ज्यादा है, वो ज्यादा अमीर समझा जाता है। आज काओ के हिसाब से हम नहीं चलते, समझ में आया। तो पहले कभी भाइयों के बीच में लैंड को लेकर लड़ाई नहीं हुई थी। तो क्या हुआ था, अर्ली वैदिक एज जब खत्म हुई और लेटर वैदिक एज जब शुरू हुई, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, डिस्कवरी ऑफ आयरन। आयरन सबसे जबरदस्त मेटल है। आज भी आप देखो, ज्यादातर हर जगह सबसे ज्यादा जो मेटल के ऊपर हम डिपेंडेंट है, वो किस मेटल पर है, वो है आयरन। इलेक्ट्रिसिटी में कॉपर, ठीक है, और वैसे हर चीज में तो आयरन ही चलाया, चाहे आपके घरों के कुंडे कब्जे हैं, ठीक है, चाहे घर बनाना तो सरिया डलना है, हर जगह यूज हो रहा है आयरन, ठीक है जी। तीसरा जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेटल है वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है और सॉफ्ट और लाइट वेट है, समझ, तो इसलिए एल्यूमिनियम। ये तीन मेन मेटल्स हैं। मगर अब भी अगर सर्वाधिक भारत में सबसे ज्यादा जो मेटल यूज हो रहा है वो है आयरन, लोहा। आप लोग भी जिन बेंचेस पर बैठे हैं वो भी लोहे के, समझ में आया। तो आयरन ने तो पूरी दुनिया बदल दी थी। लोहा जो आया भारत में, लोहे की जो डिस्कवरी हुई, वो एक बहुत बड़ा आविष्कार, बहुत बड़ी एक खोज थी। आविष्कार नहीं बोले, खोज बोलेंगे इसको, डिस्कवरी। तो सेटल्ड लाइफ, पहले लकड़ी का हल हुआ करता था, अब लोहे का हल बन गया, ठीक है, अब हल बार बार टूटते नहीं है, ठीक है, मजबूती आ गई। आर्म्स एंड एम्युनिशन भी लोहे के बनने शुरू हो गए, तीर भी लोहे के बनने शुरू हो गए, हर चीज में लोहा इस्तेमाल होने शुरू हो गया, सेटल्ड लाइफ हो गई। अब पेस्टोरल लाइफ बदल गई। पहले क्या होता था, एक जगह पर खेती की, जब वो जमीन बंजर हो गई तो उस जमीन को छोड़ के आगे के चार जंगल जला के वहां खेत बना लिए, फिर उसके बाद जब वो जमीन बंजर हो गई तो फिर वहां उसको छोड़कर आगे चले गए। अब भारत का नक्शा अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार था, है, था और है, ये देखिए, क्लियर। अब ये जो एरिया था, ये था इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया। ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, ऐसे अपना खेत तो बंजर हो गया तो दूसरा जंगल जलाया और आगे बढ़ चले। अब कितना आगे जाएंगे, आगे क्या आ गया, बे ऑफ बंगाल आ गया, यानी समंदर आ गया, पानी आ गया, खेत बनाने के लिए जगह खत्म हो गई, तो फिर वापिस चले तो जो लोग अब कब्जा करके बैठे थे उस जमीन पर जिस पर वो पहले कभी हुआ करते, उनकी लड़ाइयां शुरू हो गई और भाइयों के बीच में लड़ाइयां शुरू हो गई जमीन को लेकर, भाइयों के ही बीच में।
एक भाई एक जगह छोड़ के दूसरी जगह गया, मगर बाद में जब बात मुनी वापिस आया तो उसके दूसरे भाई कहते अब ये खेत हमारा हो गया, तुम्हारा नहीं। क्लियर? तो लैंड के लिए राजा तक आपस में लड़ने लगे। जो पहली बड़ी जंग हुई थी लैंड के लिए जिसमें भाइयों ने भाइयों को मारा, बताओ उसका नाम क्या था? पांडवली। वो बिल्कुल बिल्कुल सही, पांच भाइयों ने 100 भाइयों को मार दिया। ठीक है, इसका नाम था महाभारत। जब आयरन की डिस्कवरी हुई थी उसके बाद दो जनरेशन के बाद ऐसा हुआ था, यानी अप्रोक्सीमेटली 50 साल के बाद ऐसा हुआ, समझ में आया? और लगभग 1000 BC में हुआ था FE यानी आयरन की डिस्कवरी, और उसके लगभग 50 साल के बाद 950 BC में हुई महाभारत। आपको पता होना चाहिए कि BC उल्टा चलता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है, ना कि असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, AD असेंडिंग में चलता है। ईयर बढ़ रहे हैं ना, 2000 से 2021, समझ में आ गया? तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, और मेनली तो वेद लिखे गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, फिर उपवेद लिखे गए, पुराण लिखे गए, अरण्यक लिखे गए। आज मैं इन सब के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, 4+4+4 की कहानी। ये 4 क्या है? 4 वेदास, ऋग्वेद, सबसे पहले तो 4 वेदास, 4 आश्रम, 4 वर्णा, 4 वर्णास। ऋग्वेद पहला था, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। फोर्थ वॉज अथर्ववेद। और आश्रम कौन कौन से थे? ये भी 4 थे, 4 आश्रम। पहला गृहस्थ आश्रम, गलत लिख दिया। सबसे पहला ब्रह्मचर्य, सीधा शादी थोड़ा हो जाएगी पैदा होते ही, ब्रह्मचर्य। ठीक है, 0 to 25। फिर सेकंड गृहस्थ आश्रम, वो 26 to 50। और फिर तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, 51 to 75। और चौथा लास्ट आश्रम संन्यास, 76 onwards। अप्रोक्सीमेटली 100 ईयर्स की लाइफ हुआ करती थी। ठीक है जी, और ये 4 आश्रम हुआ करते थे। पहले 25 साल ब्रह्मचर्य का पालन करो। इसमें दो चीजों पर ध्यान देना है, पहला एजुकेशन और हेल्थ, और फिर गृहस्थ आश्रम में क्या ध्यान देना है? सबसे पहला प्रोक्रिएशन, कि अगर दुनिया में आए हैं तो अगली जनरेशन को तैयार करना, बच्चे पैदा करना और उनको पालना। ठीक है, उनको ब्रिंगिंग अप, उनको अच्छी एजुकेशन वगैरह सबको देना, ब्रिंगिंग अप। फिर आता है वानप्रस्थ, वो क्या होता है? गिविंग अवे, धीरे धीरे सारा कंट्रोल किसको दो? अपनी अगली जनरेशन को दे दो, और टुवर्ड्स गॉड यू मूव, टुवर्ड्स गॉड। और संन्यास, ठीक है, लीव लव फॉर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। ठीक है, और गॉड में समा जाओ, यानी अपनी बॉडी को भी छोड़ दो। ठीक है, फिर थे 4 वर्ण। 4 वर्ण जो थे ये कौन थे? सबसे पहले ब्राह्मण, फिर उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। ब्राह्मण को ब्रह्मा ने अपने माउथ से बनाया, क्षत्रिय को बनाया आर्म्स से, वैश को बनाया थाई से, और शूद्र को बनाया फीट से। किसने बनाया? ब्रह्मा ने। ब्रह्मा इज द क्रिएटर। और जो आर्यंस की थ्योरी है वो ये है, 4 तरह के लोग थे। ठीक है, मैं 4 वर्णों के बारे में यहां बता रहा हूं, और ठीक है,
कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु और महेश, महेश यानी कि शिवा, महेश का मतलब है शिवा, ठीक है। ब्रह्मा जो है वो है क्रिएटर, दुनिया को बनाने वाला। विष्णु कौन है? पालने वाला, प्रिजर्वर। और महेश कौन है? ठीक है, किल करने वाला, विनाश, ठीक है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शिव द्वारा विनाश, ठीक है जी। और ब्रह्मा ने चार तरह के लोग बनाए, कौन कौन से? ब्राह्मण, और दूसरे बनाए कौन? क्षत्रिय, और फिर बनाए वैश्य और शूद्र। ये बनाए माउथ से, ये बनाए आर्म से, वैश्य बनाए थाई से, और शूद्र बनाए फीट से। कहां ये बात लिखी है कि ऐसे बने थे चार तरह के लोग? ठीक है, ये लिखी है पुरुषोक्त भजन में, पुरुषोक्त, पुरुषोक्त हान। कहां पर है ये? ऋग्वेद में, ऋग्वेद में लिखा हुआ है। ऋग्वेद में कहां लिखा हुआ है? 10th मंडल में लिखा हुआ है, क्लियर। और ये जो वर्ण है, ये 4 वर्णास जो है, ये बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन है, बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। जो ब्राह्मण है वो क्या काम करेंगे? एजुकेशन, पढ़ाएंगे। और जो क्षत्रिय है वो काम क्या करेंगे? आर्मी। और जो थाई से बने हैं, यानी कि ये जो वैश हैं, ये क्या काम करेंगे? ये है क्राफ्ट्समैन, ये है क्राफ्ट्समैन, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, ये है ट्रेडर्स। और जो फीट से बनाए हैं, ठीक है, ये लोग इनको सर्व करेंगे, इनकी सेवा करेंगे बाकी तीनों की, क्लियर। तो ये था सिस्टम, ओके। 4+4+4 समझ में आ गया? समझ में आ गया। टोटल ऋग्वेद में 1028 भजन है, हाइंस। टोटल 10 मंडल है, यानी 10 चैप्टर है, ओके। मंडल यानी कि चैप्टर। और आगे चलते हैं, ये देखिए आर्यंस एंड द ऋग्वेद के बारे में अब मैं आपको बताता हूं। ये लीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर दिखा दें आपको, ये आई होप आप देख पा रहे हैं आज, ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट, ये लीजिए। अब कहां से आए थे आर्यन? सेंट्रल एशिया से, ओके। और आर्य वर्ड का मतलब क्या है? ठीक है, हाई बर्थ, यानी अपने आप को बहुत उच्च मानते हैं, हाई बर्थ वाले मानते हैं, ठीक है जी। और जिनके पास सबसे अच्छी नॉलेज है, कॉन्शियंस है। और कहां से आए हैं ये? बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है ये बात कि कहां से आए हैं। ज्यादातर हिस्टोरियंस मानते हैं कि सेंट्रल एशिया से आए हैं, ठीक है। और कब आए हैं? 2500 से 1500 बीसी के बीच में, और यहाँ आके इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले एरिया में आके रहने लगे, ठीक है जी। और ये जो रीजन है इसको हम सप्त सिंधव कहते हैं, 5 नदियां पंजाब की प्लस 2 और। वो 2 और कौन सी हैं? एक तो इंडस, ठीक है जी, और एक सरस्वती। और बाकी 5 नदियां पंजाब की कौन है? वितस्त, अस्किनी, विपस, पुरुषनी और सतुद्री। इनके नए नए नाम वो है सतलुज, रावी, झेलम, चेनाब, ठीक है जी। और नेक्स्ट, और आगे चलते हैं, ये देखिए पुराने नदियों के नाम। इंडस का सिंधु, झेलम का वितस्त, चेनाब का अस्किनी, रावी का पुरुषनी, विपस व्यास और शतुद्री सतलुज। चले आगे, और नेक्स्ट, अब ये देखिए ये बात है, यहां लिखी नहीं हुई शायद, जो ये आए थे कहां से आए थे? खाइबर पास, KHYBER, खाइबर पास को क्रॉस किया था किन्होंने? आर्यंस ने, वहां से आए थे आर्यंस। और आगे चलते हैं, चले आगे। अब जो वैदिक लोगों को नदियों के बारे में ज्ञान था, ठीक है, और अर्ली वैदिक पीपल हैड नॉलेज ऑफ रिवर्स यमुना, सरस्वती और गंगा, ठीक है। ओशन वॉज मेंशन एज समुद्र, रेफर टू कलेक्शन ऑफ वाटर एंड नॉट सी। स्नो, माउंटेन्स, डेजर्ट एंड, इन सब के बारे में नॉलेज था, ठीक है। उन्हें समुद्र का भी पता था, उनको आइस का भी पता था, अर्ली वैदिक एज के लोग, क्लियर। और आगे चलते हैं हम, ठीक है।
आर्यंस जो थे यहाँ के ओरिजिनल जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे उनसे लड़ पड़े, ठीक है, और उनको क्या वर्ड दिया गया, दास्यूस, ठीक है, दास, ये तो दास है हमारे, ठीक है जी। तो इंडिजिनस इनहेबिटेंट जो यहाँ पहले रहते थे, और आर्यंस भी दो पार्ट से बटे हुए थे, जो पहले और जो बाद में, वो आपस में भी लड़े, पहले तो आर्यंस यहाँ के इंडस वैली के लोगों यानी दासों से लड़े, और फिर आर्यंस में आपस में भी लड़ाई हुई, नए आर्यन और पुराने आर्यन, क्योंकि एक टुकड़े में तो आई नहीं, बार बार आते रहे आते रहे, तो जो पहले आए थे वो कहते हमारा हो गया, जो बाद वाले आए उनको उनके साथ उनकी लड़ाई हुई थी, ठीक है जी। और एक बहुत ही फेमस लड़ाई हुई जिसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, दस रजन युद्ध, दस राजा लड़ पड़े, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी अभी सुनाता हूँ पूरी आपको, ठीक है। और दस्यु को आहत किया यानी दासों को मार दिया, स्लॉटर ऑफ दास्यूज, ठीक है, बार बार ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि जो यहाँ लोग रहते थे उनको मार दिया आर्यों ने आके, ये वर्ड है दास्यु आहत, आहत यानी किलिंग, दास्यु यानी यहाँ के लोग, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। अब हुआ क्या था, ध्यान से सुनो और समझो, दो ऋषि, बहुत बड़े बड़े ऋषि हुए हैं हमारे भारत देश में, ठीक है, एक थे ऋषि वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ, और एक थे ऋषि वाल्मीकि, सॉरी नॉट वाल्मीकि, हाँ जी, ऋषि वशिष्ठ वो थे जिन्होंने भगवान राम को भी पढ़ाया था, ठीक है, और दूसरे थे ऋषि विश्वामित्र, इन्होंने भगवान राम को चाहे पढ़ाया नहीं था मगर शस्त्र दिए थे, और इन्हीं के दिए हुए शस्त्रों की वजह से, ठीक है, भगवान राम रावण को मारने में कामयाब हुए थे। बचपन से किसने पढ़ाया था, ऋषि वशिष्ठ ने पढ़ाया था राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न को, फिर उसके बाद ऋषि वशिष्ठ इनको राजा दशरथ के पास छोड़ आए थे चारों भाइयों, फिर एक दिन विश्वामित्र आए और उन्होंने कहा कि कुछ राक्षस और एक ताड़का नाम की राक्षसी हमें तंग कर रही है, हमें उनसे निजात पाना है, तो आप अपने राजकुमार राम को हमारे साथ भेज दो, राम वध करेगा ताड़का का और कुछ राक्षसों का। दशरथ ने कहा वो तो बच्चा है, अभी तो अपनी एजुकेशन खत्म करके आया हूं, वो कौन सा ऐसा राक्षस है जो मेरे बाण को सहन कर सकता है, मैं चलता हूं ना आपकी सेवा में, सारे राक्षसों को मारूंगा। कहता नहीं, आप मेरा अपमान कर रहे हैं, आप मेरा अपमान कर रहे हैं, जो मैंने मांगा मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मुझे तुम्हारा पुत्र चाहिए राम, मैं राम को लेने आया हूं। दशरथ रोने लगे, वो कहते मैं राम को लेकर जाऊंगा, राम ही वध करेगा राक्षसों का और ताड़का का, ठीक है। फिर उन्होंने कहा मेरी एक गुजारिश है, जो न्यूली मैरिड है, ठीक है, बहुत चिंता मुझे उसकी, छोटे भाई लक्ष्मण को साथ ले, समझ में आया, तब सॉरी अभी मैरिज नहीं हुई थी, गलती होगी मुझसे, भगवान राम का तब तक विवाह नहीं हुआ था, ठीक है। राम और लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र चले गए और उन्होंने किया ताड़का वध, ठीक है, राक्षसों को मारा, ठीक है, और इससे खुश होकर विश्वामित्र ने उनको कई बाण दिए, कई शस्त्र दिए और शस्त्र विद्या दी कैसे इन शस्त्रों को प्रयोग करना है। और फिर उसके बाद वो उनको ले गए किनके पास, जनक के पास, और वहां पर हुआ स्वयंवर और सीधा शादी हो गई भगवान राम की माता सीता से, और फिर वापस लेके आए वो उनको कहा दशरथ के पास, समझ में आया। तो ये जो दो ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र थे, ये आपस में लड़ पड़े थे, ये कहानी है, इनके बीच में जंग हो गई थी, क्लियर। और कुछ राजाओं ने ऋषि वशिष्ठ का साथ दिया, कुछ राजाओं ने ऋषि विश्वामित्र का साथ दिया। जो ऋषि वशिष्ठ को मानने वाले थे वो जीत गए, क्योंकि देवताओं का सपोर्ट ऋषि वशिष्ठ के साथ था, देवता सब विश्वामित्र के खिलाफ थे। ये विश्वामित्र वही हैं जिनकी तपस्या को भंग करने के लिए मेनका को भेजा गया था, समझ में आया, क्यों, ही वॉज अ बॉटनिस्ट ऑल्सो, ये नारियल को भी इंसान के बराबर बना रहे थे, उसमें म्यूटेशंस कर आप, और वो शोध आधा बीच में रुक गया,
नारियल में अभी आप देखो तीन बिंदु मिलेंगे आपको, जो नारियल होता है उसके ऊपर यहाँ तीन बिंदु होते हैं, ऐसा लग रहा है शक्ल जैसे किसी की। तो कहते हैं कि ये विश्वामित्र की देन है। तो इंसान के बराबर जीवन डाला जा रहा था नारियल में, इससे नाराज हुए कौन, देवता। उन्होंने मेटका को भेजा और रिसर्च भूलकर विश्वामित्र जो है अपना रास्ता भटक गए और रिसर्च बीच में रह गई। समझ में आ गया? तो इस तरह से देवताओं के साथ जंग रही है विश्वामित्र की। तो आर्यों के जो राजा थे वो लड़ पड़े आपस में। तो भरत एक राजा था, भरत किसकी साइड से लड़ रहा था, वशिष्ठ की। वो जीत गया, उसे सबको हरा दिया, इसीलिए ये देश बन गया भरतवर्ष। भरतवर्ष जब देश आजाद हुआ तो क्या नाम रखा जाए? कुछ ने कहा कि इस देश का नाम रख लो हिंदुस्तान। वो इसलिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि यहां पर सिख भी थे और क्रिश्चियन भी थे और काफी ज्यादा मुस्लिम्स भी थे, ठीक है। फिर दूसरा नाम आया, क्यों ना यहां इसका नाम रख दो भारत। वो एक सेक्युलर नाम है क्योंकि जब भारत ने राज किया था, भरत ने राज किया, तब कोई और धर्म था ही नहीं। इसीलिए देश के दो ही नाम है लॉ के हिसाब से, एक तो है इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ नाम और एक भारत। समझ में आ गया? भारत को भारत क्यों कहते हैं। और ये जो युद्ध था ये बहुत बड़ा युद्ध था, इसको 10 रजन युद्ध कहते हैं और ये ऋषि वशिष्ठ के लिए लड़े थे। ठीक, ये देखो 10 रजन युद्ध। दिस बैटल वॉज फॉट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रावी। रावी नदी के किनारे लड़े थे, परुश्री रवि रिवर, ठीक है जी। और सुदास द सन ऑफ देवदास एंड द भरत किंग ऑफ त्रित्सु फैमिली वन ओवर एन अलायंस ऑफ 10 ट्राइब्स, ठीक है, 10 को हरा दिया, ठीक है। 5 उसमें से आर्यंस थे और 5 नॉन आर्यंस थे, यानी आर्य आर्य से लड़े। जो 10 को हराया उसमें 5 तो आर्य थे और 5 दास थे। दास कौन? ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। एंड किल्ड देयर लीडर पुरुषोक्त, पुरुषोक्त को मार दिया, ठीक है। और ये बैटल क्यों हुई? क्योंकि विश्वामित्र जो था उसकी लड़ाई हुई थी किसे? वशिष्ठ से। और भरत जो था ही वॉज द प्रीस्ट ऑफ, अपने गुरु के लिए लड़े थे, क्लियर। और आगे चलते हैं। अब इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीकल्चर सबसे मेन था और वो भी पेस्टोरल फार्मिंग थी, एक जगह से दूसरी जगह भागते रहते थे, ठीक है जी। और ऋग वेद में इसके बारे में बड़ा कुछ लिखा हुआ है। ऋग वेद अर्ली वैदिक एज में लिखा जाना शुरू हो गया था, ठीक है। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ, ये देखिए, जो अर्ली वैदिक एज है उसको ऋग वैदिक एज भी कहते हैं। मैंने बताया दो तरह की वैदिक एज है, अर्ली वैदिक लेटर वैदिक। और अर्ली वैदिक को हम ऋग वैदिक एज भी कहते हैं। इसका टाइम है 1500 से 1000 BC। समझ में आ गया? क्योंकि 1000 बीसी के आसपास का टाइम वो था जब लोहा मिला, ठीक है, लोहा मिला और महाभारत हुई। 950 बीसी में हुई थी महाभारत, महाभारत, क्लियर। चले आगे, और आगे चलते हैं। नेक्स्ट, जो राजा हुआ करता था उसका एक पुरोहित हुआ करता था जिसकी वो बात मानता था, ठीक है। एक सेनानी हुआ करता था, सेनापति हुआ करता, वो हेड ऑफ आर्मी होता था, ठीक है। और बलि दिया करते थे ये लोग, ठीक है जी, ओके। और यही नहीं, जो अश्वमेध यज्ञ है उसमें भी ये बात है, घोड़े की बलि दी जाती है, ठीक है जी, ओके। कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती, जब जरूरत पड़ती तो आर्मी खड़ी कर ली जाती थी, ठीक है जी। और वेपन्स जो थे वो स्टोन के, वुड के, बोन के, मेटल के, हर तरह के बने होते थे, ठीक है जी। और जो सोसाइटी थी, ठीक है, वो कैसी थी उस समय पर, ठीक है। लोग जो थे अपनी ट्राइब के लिए बहुत सच्चे थे, उसको जन वर्ड यूज करते थे, ठीक है जी। जन से ही वर्ड बना जनता, ओके। देन अब ट्राइब के लिए एन अनदर टर्म, ट्राइब के लिए एक और टर्म है, वो है विस, ठीक है। ये कहां यूज हुआ है? वर्ड ऋग्वेद में, ओके। और फिर जो फैमिली के लिए वर्ड यूज होता है कुल,
ठीक है, ये वर्ड भी आज भी कुल देवी होती है सबकी, ठीक है जी। और वार के लिए वर्ड यूज हुआ संग्राम, महाभारत में और रामायण दोनों वर्ड महासंग्राम वर्ड यूज होता था, महासंग्राम। ओके, और आगे चलते हैं। काओ, सबसे मेन चीज, काओ वॉज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एक्सचेंज और गोल्ड कॉइन्स हुआ करते, उन्हें निष्क कहते थे, ठीक है जी। और गौधुली वॉज यूज एज अ मेजर ऑफ टाइम एंड गवयुति एज मेजर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। गौधुली, ठीक है, ये टाइम की, क्यों, जब गाय चरने जाती तब धूल उड़ती थी, जब गाय चर के वापिस आती थी तब धूल उड़ती थी, ठीक है, तो हम उसे कहते थे गौधुली। ओके, और आगे चलते हैं जी। अब एग्रीकल्चर बेटर हो गया, प्लोशेयर हुआ करता था, ऋग्वेद में ये सब कुछ लिखा है, बाकी आप खुद पढ़ोगे, ठीक है। अब ब्राह्मण क्या करते थे, पढ़ाते थे, क्षत्रिय काम क्या था, रूलर्स और एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी, वैश्य थे मर्चेंट और शूद्र कौन थे, आर्टिसंस एंड लेबरर्स, लेबर का काम, ठीक है जी। ये थे वर्ण, ठीक है, वैसे वर्ण वर्ड का मतलब होता है कलर ऑफ पीपल। ओके, अब ऋग्वेदिक गोड्स पर आ जाए, ठीक है। सोम देवता कौन था, जो शराब का भी देवता कहते हैं, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक जो कि प्लांट में से निकलती थी। ओके, और यज्ञ हवन किया करते थे ये लोग। ओके, नेचर की वर्शिप करता थे, हवा की पूजा, पवन देव, सूर्य देव, पानी देव, ठीक, जल देवता। ये लोग टेंपल्स नहीं बनाते थे, ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे। ओके, और जो 9th चैप्टर है ऋग्वेद का, जिसका नाम है सोम मंडल, वहां पर सोम के बारे में बात हुई है, शराब के बारे में। ओके, सम फीमेल डिविनिटीज सच एज अदिति एंड उषा रिप्रेजेंटेड द अपीयरेंस ऑफ द डॉन, ठीक है। अदिति और उषा भी गॉड्स हैं, फीमेल गॉडेसेस हैं, जो कि शाम को दिखाती है, फ्रॉम डस्क टू डॉन कहते हैं ना। और जो भगवान के नाम थे वो ये थे, वरुण था पानी का देवता, ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं, फायर गॉड वॉज अग्नि, ठीक है, इंद्र कौन था, बारिश का, ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, सूर्यदेव, सावित्री क्या था, गॉड ऑफ लाइट, गायत्री मंत्र भी लाइट के लिए है, ठीक है। देन मित्र, सोलर गॉड, पुषाण, गॉड ऑफ मैरिज, विष्णु, ठीक है, वन हु कवर्ड अर्थ इन थ्री स्टेप्स, उपकर्म, रुद्र, गॉड ऑफ एनिमल्स, इसलिए भगवान शिव का रुद्र अवतार भी बोलते हैं, ठीक है। देन अश्विन, गॉड ऑफ हेल्थ, सिंधु, रिवर गॉडेस, यम, गॉड ऑफ लाइट, जिसे अभी बोलते हैं यमराज, डेथ का देवता, और मारुत, मारुत यानी जो आंधी ला दे, कई तरह की जी, फादर क्या, रुद्र, द्यासुस, ये फादर ऑफ दिवर, द्यास, एल्डेस्ट गॉड, ठीक है। देन ब्रह्मा, ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्म मैरिज है, मैरिजेस कई तरह की होती थी, ठीक है, ब्रह्म मैरिज, मैरिज ऑफ अ ड्यूली डॉवर्ड गर्ल टू अ मैन ऑफ द सेम क्लास, ये सबसे अच्छी मैरिज है, सेम अपने लेवल की। फिर है देव मैरिज, ठीक है, जब सेक्रीफाइस के तौर पे जब एक ऋषि को अपनी पुत्री दे दें तो उसे हम देव मैरिज कहते थे, डॉटर गेव अ डॉटर इज गिवन टू अ सेक्रीफिशियल प्रीस्ट। फिर अर्स मैरिज, टोकन, अ टोकन ब्राइड प्राइस ऑफ अ काउ इज गिवन इन प्लेस ऑफ द डॉरी, कि गाय दी जाती थी दहेज की जगह पर। फिर प्रजापत्य विवाह, ठीक है, बिना डॉरी के शादी करना, और बल्कि लड़के वालों से पैसे लेके अपनी लड़की बेच देना, वो प्रजापत्य विवाह था। और फिर गंधर्व विवाह, लव मैरिज। फिर असुर, ठीक है, बैड फॉर्म्स ऑफ मैरिज थी ये, ब्राइड वॉज ब्रॉट फ्रॉम हर बॉट, वॉज खरीदी जाती थी ब्राइड। फिर राक्षस, कब्जा कर लेता था एक आदमी एक लड़की पर। और पिशाच, कि एक औरत को नशा देकर उसे शादी कर लेना, उसे संभोग कर लेना। क्लियर, ये इतनी तरह की शादियों के बारे में बात हुई है हमारे वेदों में, ठीक है।
और कई प्रकार रिचुअल्स हुए हैं, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर आती है लेटर वैदिक एज, लेटर वैदिक एज, इसका टाइम पीरियड 1000 से 600, इसे PGW, इसे PGW फेस भी कहते हैं, क्लियर। और इसमें क्या था, ठीक है जी, समझते जाओ, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट नोट्स आपको ना अलग से याद करवा दूंगा, दे दूंगा, ठीक है जी। समझिए पॉलिटी कैसी हो गई, अब बड़े बड़े किंगडम्स बन गए, ठीक है जी, और किंगशिप हेरिडिटरी होगी, राजा का बेटा ऑटोमेटिकली राजा बनना शुरू हो गया, ओके। और वुमेन अब असेंबलीज में नहीं आती थी, अब मर्दों का बोलबाला था, पहले जितनी वुमेन की इज्जत थी उतनी अब नहीं रही, ठीक है। और राष्ट्र शब्द सामने आया, यानी टेरिटरी, पहली बार लैंड की इंपॉर्टेंस बढ़ गई, मैंने बताया लैंड बिकेम द यूनिट ऑफ वेल्थ, ओके। और बस अब मैं इंपॉर्टेंट चीज कराता जाऊंगा आपको। अब जो राजा होता था उसके दरबार में ये 12 लोग होते थे, जैसे पुरोहित, पूजा पाठ वाला, ठीक है, महिषी जो चीफ क्वीन होती थी, युवराज जो अगला राजा बनेगा, फिर है सारथी जो कि चैरिटियर जो रथ चलाएगा, ठीक है, देन भगदुग टैक्स कलेक्टर, अकाउंटेंट, ठीक है, पलगल फ्रेंड ऑफ द किंग, हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सेनानी जो कि जनरल होगा आर्मी को संभालेगा, ग्रामणी विलेज का हेड, ठीक है, क्षत्रिय गेटमैन, और संग्रहती ट्रेजरर, खजाना जो जिसके पास होगा, ओके। जुडिशरी डेवलप हुई, दरबार लगने लगा, ठीक है। सीरियस क्राइम्स कौन कौन से होते थे, किलिंग, किसी को मार देना, किलिंग ऑफ एन एम्ब्रियो, बच्चे को मार देना, ठीक है, होमिसाइड, इंसान को मारना, ब्राह्मण को मार देना, सोना चुराना, ठीक है, शराब पब्लिक प्लेस में जुना में पीना, और ट्रीजन, राष्ट्रद्रोह, ठीक है, ये सबसे बड़े बड़े ऑफेंसेस हुआ करते थे, ओके। और सोसाइटी में बता चुका हूँ फोर डिविजन थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ओके। आश्रम सिस्टम बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है जी, गृहस्थ आश्रम वगैरह के बारे में, ठीक है, और आगे चलते हैं, ठीक है। अब वुमेन की पोजीशन डिक्लाइन हो गई, अर्ली वैदिक में बेटर थी, अब वुमेन की पोजीशन डाउन हो गई, ओके। और एग्रीकल्चर सबसे मेन एक्टिविटी बन गई रोजगार की, हालांकि वॉशरमैन डायर सब कुछ हुआ करते थे, टिन सिल्वर आयरन, ठीक है, वाज नाउ नोन, अब आयरन आ गया, इससे पहले तक आयरन नहीं था, क्लियर। और मर्चेंट्स ने अपने ग्रुप्स बना लिए, ओके। रूलर्स रिचुअल्स बिकेम इंपॉर्टेंट, बस इतना काफी है। अब वैदिक लिटरेचर की बात करो तो जो वेद लिखे गए, ठीक है, वेद में विद वर्ड का मतलब क्या है, नॉलेज। स्मृति और श्रुतियां बनी, श्रुति क्या होती है, श्रोतागण, सुनने वाले, ठीक है, जो आपने सुना है ज्ञान और लिख दिया, स्मृति जो आपको याद है और आपने लिख लिया, ठीक है। वेदों को डिवाइड किया गया संहिताज में। अब ऋग वेद पर बार बार क्वेश्चन आता है, इसमें 1028 भजन है, 10 मंडल है, कब लिखा गया, अप्रोक्सीमेटली 1700 BC, सबसे पुराना रिलीजियस टेक्स्ट है, समझ में आया। और सेकंड से लेके सेवंथ तक के चैप्टर सबसे पुराने चैप्टर है, ओके। और आगे चलते हैं, दसवें मंडल में है पुरुषोक्त भजन, जिसमें लिखा है चार वर्णों को बनाया ब्रह्मा ने, ठीक है, किसी को माउथ से, किसी को आर्म से, किसी को थाई से, किसी को फीट से, कराच को में। गायत्री मंत्र थर्ड चैप्टर में है, तीसरे मंडल में, ठीक है। और ये सावित्री यानी सन गॉड यानी लाइट गॉड के लिए गाया जाता है, ओके। और सरस्वती सबसे मेन डाइटी रिवर है ऋग्वेद की। अगला है सामवेद, मेलोडी यानी कि संगीत, क्लियर, ओके। ध्रुपद राग इसी में है, राग ध्रुपद। फिर आता है यजुर्वेद,
वो किसके लिए? सेक्रीफाइस, कुर्बानियां, बलि, ठीक है जी, बिलीव्स। और इसलिए दो तरह के हैं, टू टेक्स्ट, व्हाइट और ब्लैक। यजुर्वेद दो तरह के हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण सामने थे, सावरा बोलते हैं ना, वो हो गया ब्लैक यजुर्वेद, और एक है व्हाइट। अथर्ववेद मैजिकल फॉर्मूलाज किसमें दिया? अथर्ववेद, ठीक है जी, कि कैसे आत्माओं को भगाना है, बीमारी को कैसे मंत्रों से ठीक करना है। और आगे चलते हैं, उपनिषद लिखे गए राजा के निकट, गुरु के निकट बैठ के, सिटिंग क्लोज टू द गुरु, जो आप ज्ञान लेते हैं वो आ गया उपनिषदों में, ठीक है जी। इनको वेदारित भी बोलते हैं, ओके। और ये कहते हैं कर्म करो आत्मा के लिए, ब्रह्मा के लिए, और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात करते हैं। टोटल कितने उपनिषद हैं? 108 उपनिषद हैं टोटल। कब लिखे गए? 800 से 500 बीसी, ठीक है जी। 11 सबसे मेन उपनिषद है, उन्हें हम मुख्य उपनिषद कहते हैं। चले आगे, देन और जो वेदों की कमेंट्री है, प्रोज कमेंट्री, उसे कहते हैं ब्राह्मण। और जो फॉरेस्ट बुक्स हैं, ठीक है, फॉरेस्ट बुक्स की, जो साधु हैं वो जंगलों में कैसे रहेंगे, वो है अर्यंक, क्लियर। फिर वेदांग क्या है? वेदों के आगे जो लिम्ब्स हैं उसके ऊपर जो ट्रीटाइज लिखे हुए हैं, दीज आर ट्रीटाइज ऑफ साइंस एंड आर्ट्स, ठीक है, वो है वेदांग। जैसे ज्योतिष विद्या, छंद, या छंद पकैया, छंद पकैया गाते हैं, एटिमोलॉजी कि शब्द कहां से पैदा हुए, फिर ग्रामर यानी व्याकरण, फिर रिचुअल्स और शिक्षा, फोनेटिक्स, शब्दों का उच्चारण कैसे करना है, ठीक है। पन्नी ने बुक लिखी थी अष्ट अध्याय, ये किसके ऊपर लिखी? व्याकरण पर। किसने लिखी? पन्नी ने, क्लियर। पन्नी ने लिखी अष्ट अध्याय, ये व्याकरण की किताब है। और आगे चलते हैं, फिर आते हैं उपवेद। चार उपवेद हैं वेदों के, उपवेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद, ठीक है जी। फिर अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? शस्त्र शास्त्र कैसे इस्तेमाल करें। फिर जो सामवेद का है, गंधर्ववेद, ये आर्ट और म्यूजिक के बारे में है। सामवेद का उपवेद सबवेद कह लो। फिर आता है यजुर्वेद का है धनुर्वेद, उपवेद ऑफ यजुर्वेद इज धनुर्वेद, ठीक है, कैसे लड़ाई लड़नी है, ओके। अब आ जाओ फिलोसफी। 6 सिस्टम बने हिंदू फिलोसफीज के, 6 फिलोसफर्स हुए, जैसे कि गौतम ऋषि, कपिल ऋषि, जैमिनी ऋषि, कन्नड़, पतंजलि तो बहुत ही फेमस है, आज भी पतंजलि की ही योगपीठ चलती है, ठीक है। और व्यास ऋषि, ऋषि व्यास ही बहुत फेमस ऋषि थे, जिन्होंने लिखा उत्तर मीमांसा, ओके। नेक्स्ट फिर बने पुराण, पुराण बने, मिथोलॉजी, कहानियां, कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोजनी, वेरियस लेजेंड्स, फोक बिलीव्स, लो कोड्स, ओके। फिर सूत्र बने, धर्म सूत्र, ग्रह सूत्र, स्वात सूत्र, कि पब्लिक में कैसे जीना है, ठीक है, घर में मैरिज के बाद कैसे जीना है, ठीक है, और धर्म सूत्र, समाज में लोकल कस्टम्स। दो महाभारत और रामायण, दो बड़ी किताबें लिखी गई, वाल्मीकि ने लिखी रामायण और वेद व्यास ने लिखी महाभारत, ठीक है। महाभारत इज ओल्डर देन रामायण, ओरिजिनली महाभारत कंसिडर 880 वर्सेस, देन वाज रेज़्ड टू 24,000 वर्सेस, और आज उसमें 100,000 वर्सेस है। रामायण में 6,000 वर्सेस थे, बढ़ के हो गए 12,000 और अब हो गए 24,000, ठीक है जी। देन स्मृतियां, जो अभी बता के हटाऊं, जो याद रखते हैं हम, ठीक है, धर्म, ये इतने इंपॉर्टेंट, क्लियर। आज हमने खत्म किया है वैदिक काल को, ओके। तो अब वैदिक काल में क्या हुआ, मैं अगला थोड़ा सा बता देता हूं आपको, समझो। मैंने बताया वेदों, वेद जब लिखे उसे आर्यंस का राज था यहाँ पे, तो पहले था अर्ली वैदिक एज,
अर्ली वैदिक एज और फिर आ गया लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज इनके बीच में दो काम हुए, पहला एफ ई यानी आयरन मिला और एक महाभारत हुई। यहां पर कॉ वॉज यूनिट ऑफ वेल्थ और यहां पर लैंड वॉज यूनिट ऑफ वेल्थ। क्लियर? ओके। और लैंड के लिए लड़ने लग गए लेटर वैदिक एज। टाइम पीरियड बता चुका हूं, इसका टाइम पीरियड क्या बताया था मैंने आपको, 1500 से 1000 BC और इसका 1000 BC से 600 BC। अब चार वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। और ये जो ब्राह्मण्स थे, सारी नॉलेज इनके पास थी। ब्राह्मण्स वर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल, द मोस्ट नॉलेजफुल, दे हैड ऑल द नॉलेज, नॉलेज इज पावर। तो ये लोग इल ट्रीट करते थे और डोमिनेट किया करते थे किसको? क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। जैसे कि परशुराम ब्राह्मण थे, उन्होंने कितनी ही बार सभी वैश्यों को मार, सभी क्षत्रियों को मार दिया था, सारे क्षत्रिय खत्म कर दिया धरती के, समझ में आया? तो इस कारण से ब्राह्मण से डोमिनेट कर रहे थे, ठीक है? इस डोमिनेशन का जवाब दिया, सारे दुखी थे इनसे, हर कोई परेशान था इस डोमिनेशन से। वैश्य भी नाराज थे, शूद्र भी नाराज थे, क्षत्रिय भी नाराज थे। तो ये सब ने क्या किया, ठीक है, इनके खिलाफ दो मूवमेंट्स खड़ी हुई जिनको सपोर्ट किया, ब्राह्मण्स के खिलाफ। और वो दो मूवमेंट्स कौन सी थी? जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ये दो नए धर्मों का जन्म हुआ और इनको सपोर्ट किसने किया? बाकी तीन ने, क्षत्रिय राजाओं ने भी इसको सपोर्ट किया, ठीक है, वैश्य उन्होंने पैसा खर्चा, ठीक है, और इनको फॉलो कौन करते थे? शूद्र। तो तीनों ने सपोर्ट किया जैनिज्म और बुद्धिज्म। क्लियर? और पॉलिटिकल साइड पर क्या हुआ, पूरे भारत में 16 देश बन गए महाजनपद। मैंने अभी बताया लेटर वैदिक एज में बड़े बड़े किंगडम बन गए थे, तो 16 महाजनपद यानी कि 16 किंगडम्स बन गए। ये किंगडम्स भी आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे और जो किंगडम सबसे स्ट्रॉन्ग किंगडम बन के सामने आया वो था मगध। मगध जिसको आज की डेट में हम बिहार कहते हैं, बिहार, इसे हम हिस्ट्री में कहते हैं पैरा माउंट सी ऑफ मगध, कि जो मगध का राजा, इसके बाद के इतिहास को हम ऐसे स्टडी करेंगे जैसे वो पूरी दुनिया का राजा, हालांकि पूरा सच नहीं है, पूरे भारत का राजा, ठीक है, हालांकि अंग देश भी था, गांधार देश भी था, ऐसे कई देश थे, मगर जो सबसे स्ट्रॉन्ग सबसे अमीर था वो था मगध यानी बिहार। तो मगध के ऊपर जिस डायनेस्टी ने सबसे पहले राज किया वो थी हर्यंक डायनेस्टी, हर्यंक डायनेस्टी, ठीक है जी, जहां से हम कल पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी, या अभी करा दूं क्या मैं? अभी टाइम तो है आपके पास, बोलो जी, बहुत टाइम है, चलो एक टॉपिक और करवाएं, बताओ बच्चों जल्दी बोलो। ये मैंने करा दिया कि 16 महाजनपद बन चुके थे, ओके, और सबसे स्ट्रॉन्ग जो था वो कौन सा था? मगध, ठीक है जी, सबसे स्ट्रॉन्ग वॉज। और कुछ गण राज्य भी थे, उसे हम कहते हैं रिपब्लिकन स्टेट, 8 गण राज्य थे, ठीक है जी। और महाजनपदों की कैपिटल्स भी होती थी, जैसे गंधार की कैपिटल थी तक्षशिला, अंग की थी चंपा, मगध की बार बार बदलती रही, आखिरी में बनी पटना यानी कि पाटलिपुत्र। क्लियर? सबसे पहले थी गिरिराज, ठीक है, फिर राजगृह, फिर पाटलिपुत्र, फिर वैशाली और फिर पाटलिपुत्र, काशी की बनारस यानी वाराणसी, वज्जी की वैशाली, ठीक है,
मल्ल की कुशीनगर, चेडी यानी शुक्तमती और वत्स की कौशाम्बी, कोशाल की सरस्वती, कुरु की हस्तिनापुर एंड इंद्रप्रस्थ। कुरु राजकुमार यानी कौरव, ठीक है जी, और गंगा यमुना द्वाब दिल्ली मेरठ इन सब पर राज इनका था। महाभारत की कहानी, ये वाली कहानी है महाभारत, क्लियर। और पांचाल जहां से आई थी, पांचाली द्रौपदी, क्लियर, रोहिलखंड वाला एरिया, ओके। फिर मत्स्य, मत्स्य जगह जो आज का राजस्थान है, जयपुर भरतपुर अलवर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और विराट नगर इसकी कैपिटल होती थी। फिर सूरसेन मथुरा रीजन की मथुरा, अस्मक रिवर गोदावरी, देन अवंती और कंबोज, क्लियर। और फिर इसके बाद आज भी आपको कंबोज लोग मिलेंगे, आज भी बहुत लोगों ने नाम हमसे लगाते हैं कंबोज, ठीक है। मेरे भी कई स्टूडेंट है, जैसे अनु कंबोज मेरी स्टूडेंट थी, ऐसे कई मेरे स्टूडेंट है वो नाम से आज भी कंबोज लगाते हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान के अंदर चला गया अबेरिया, ठीक है। और कल हम यहां से स्टडी करेंगे मगध से, कि मगध ने पूरी पूरे भारत पर राज किया, किया तो नहीं मगर सभी किंगडम्स के ऊपर सबसे स्ट्रॉन्ग था मगधन एम्पायर, ठीक है। पहले हरक डायनेस्टी ने राज किया, ठीक है, फिर किसने किया, ठीक है, फिर किसने किया, फिर किसने किया, ये मैं कल कराऊंगा, ठीक है जी। आज के लेक्चर को मैं यही दी एंड करने जा रहा हूं। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, पहले बताओ समझ